हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। अभी यहाँ पे इसे आप काढ़ा भी कह सकते हैं, चाय भी कह सकते हैं, मैं तो इसको चाय के रूप में पीती हूँ। मतलब इसमें बहुत सारे मसाले डाले होते हैं और गुड़ डालती हूँ, साथ में चीनी नहीं डालती। फिर इसको अच्छे से बॉयल होने देती हूँ, फिर उसके बाद इसको पीती हूँ, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ढेर सारे मसाले हो जाते हैं और बॉडी के लिए हेल्दी भी रहता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कहीं पे कि हमारी बॉडी को जो है ना ज़्यादा ठंडी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, गर्म चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, पर हम अपने शरीर को बिगाड़ लेते हैं ठंडा ज़्यादा खा के। क्योंकि अब देखिए गर्मियाँ आ जाएंगी और गर्मियों में सबसे ज़्यादा क्या होने वाला है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, राइट, यही सब लिया जाएगा। तो मैं इसलिए थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ कि किसी उस बहाने से जो मुझे अच्छा लगे, जिसका मुझे टेस्ट अच्छा लगे, मुझे पसंद आए, तो मैं उसको कंज्यूम कर सकूं। तो फाइनली मैं इसे बना रही हूँ और मुझे स्कूल जाना है, हर्षिता के स्कूल। और अभी टाइम हो गया, अच्छा इसमें उल्टा दिख रहा है ना, 1:15 बज गया है। 1 बजे का प्लान बनाया है हमने निकलने का, एक फ्रेंड भी जाएंगी साथ में। और लेट हो गई थी, मुझे लग रहा था शायद आज घर पे झाड़ू पोछा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मेरी मेड है ना वो कभी टाइम की पाबंद नहीं है, कभी 10:30 बजे आएगी, कभी 11, कभी 11:30, मतलब उसके इंतज़ार में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है वेट करते करते। आज भी उसको जब पूछा, दूसरे घर में सामने वाले फ्लैट में आती है, उनसे पूछा आंटी जी से आइए क्या, तो उन्होंने बताया कि हाँ आइए। तब वेट करते करते मैं नहाने में भी लेट हो जाती हूँ बहुत बार। तो खैर फाइनली आ गई, साफ़ सफाई हो गई घर पे, किचन भी साफ़ है, कोई मेरे को अभी कोई हेडेक नहीं है कि मैं बाहर निकल रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, अगर मुझे थोड़ा टाइम भी अगर एक्स्ट्रा लग गया तो कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं इसको छान लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। ये देखिए मेरा कप कितना ज़ोर से स्माइली स्माइल करता है, स्माइली वाली ही कलर। तो यहाँ पर विदाउट मिल्क वाली टी बन के रेडी हो गई है, विद स्माइल, क्यूट सी। तो चलिए इसे पी लेते हैं। किधर से दिखेगा, इधर से। पता है मुझे पहले से ही वीडियोस वगैरह बनानी तो आ गई हैं, क्या क्या करना पड़ता है वो सब समझ आ गया, लेकिन अभी भी मुझे एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है, मुझे ना टाइटल और थंबनेल कभी कभी बिल्कुल नहीं समझ आता कि मुझे क्या बनाना है, क्या लगाना है, मैं क्या उसे शो करूं कि आप लोगों को वो ज़्यादा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, ये चीज़ मुझे नहीं समझ आती है। गेट भी बंद करना है। मशीन लगा रखी है मैंने, वॉशिंग मशीन, कपड़े वॉश हो रहे हैं उसमें, तो एक लोड का काम हो गया है, एक अभी बाकी है। सोच रही हूँ अभी रहने देती हूँ उसे, आने के बाद करूँगी, क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा देर का टाइम काम नहीं होता है, अगर तो रश नहीं हुआ तो। रश होता है तो फिर भी लग जाता है 1 घंटा सारा, लेकिन वैसे 1/2 घंटे का काम होता है आज, क्योंकि हम लोग 2 जाएंगे तो हम स्कूटी से नहीं जा रहे हैं, बाय ऑटो जाएंगी। और ऑटो जल्दी मिल गया तो जल्दी काम हो जाएगा, और जल्दी नहीं मिला तो टाइम लगेगा, ये तो है, ऐसे ही मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें। और वैसे पहले से काफ़ी मौसम चेंज हो गया है, अभी जैसे इस समय धूप काफ़ी तेज़ है तो स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं लगती, बाहर गर्मी लगती है, थोड़ा बहुत चलना पड़ जाए तो पसीने भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने अपनी वॉक शुरू कर दी है। लगभग 10 दिन हो गए पूरे, आज 10 तारीख है, 10 दिन बल्कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही हुए होंगे,
क्योंकि मैंने जनवरी की एंड में शुरुआत कर दी थी वॉक पे जाने में। काफ़ी तेज़ गर्म है अभी, लेकिन इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में जब मैं पीने लगी थी ना, तब मुझे नहीं अच्छा लगता था। कोई भी चीज़ हम शुरुआत करते हैं तो नहीं अच्छी लगती है, लेकिन जब हम उसको अपनी हैबिट में डाल लेते हैं तब वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। ये बात एकदम करेक्ट है। बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरी लाइफ के ऐसे हैं जो मैंने फील किए हैं, जो मैं पढ़ के भी देखी, मैं सुन के भी देखी लोगों से, और बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे करूँगी कोशिश आप लोगों के साथ शेयर करने की। बहुत लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं, शेयर करूं लोगों के साथ, तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, ज़रूर शेयर करूंगी। आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे हम लोग होते ही इसलिए। देखिए, कमाना तो अपनी जगह है ही, बट कहीं ना कहीं इंसान अपने मन को हल्का करने के लिए या अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए ही यूट्यूब पे आता है, जो मुझे पर्सनली फील होता है। मैं भी धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी लाइफ की चीज़ें, बातें। बहुत लोग जानना चाहते हैं, बहुत लोगों के कई बार मेरे पास अलग अलग वीडियोस पे कमेंट आते हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। क्योंकि पता है कितना ही टाइम हो जाए यूट्यूब पे काम करते, जब अपनी कुछ चीज़ें पर्सनल कुछ बातें अगर शेयर करनी होती है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जस्ट अ सेकेंड, मेरी कॉल आ गई। हम लोग जो साथ जा रहे हैं ना, तो वो भी आ रहे हैं, बस फिर इसको फिनिश करते ही निकलते हैं।